हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। इस समय स्वीट कॉर्न का सीजन चल रहा है और हम उसे कैसे लंबे टाइम तक स्टोर करें उसकी बहुत ही आसान विधि लेके आई हूँ। स्वीट कॉर्न को हम बहुत सारी रेसिपी में जब मन चाहे यूज कर सकते हैं, अगर एक बार इसे स्टोर करके रख ले तो। सबसे पहले फ्रेश स्वीट कॉर्न लेंगे और उसे छील के उसके दानों को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ही दानों को अलग करके रख लिया है। इसे निकालना बहुत ही आसान होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके लिए उसे ढक देते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब यहाँ पे एक चम्मच हम नमक डालेंगे, ये प्रिजर्वेशन का काम करेगा। आधा चम्मच चीनी डालेंगे जो स्वीट कॉर्न के मिठास को बनाए रखेगा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम जो स्वीट कॉर्न के दानों को निकाल के रखे थे उसे डाल देते हैं। एक बार बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर बदल के पीला ना हो जाए। तो इसका कलर हल्का पीला हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे हमें बहुत नरम होने तक नहीं पकाना है, बस ये हल्का सा नरम हो तब तक ही पकाना है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हल्का सा नरम हो गया है। इसे आधा मिनट हम और पका लेते हैं। आधा मिनट के बाद फिर से इसे चेक करेंगे तो जैसा बिल्कुल हमें चाहिए वैसा तैयार है। अब इसी के पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे पानी को ड्रेन करने के बाद इसे तुरंत हम ठंडे पानी में डालेंगे जिससे इसकी ओवर कुकिंग रुक जाए और कलर भी इसका बना रहे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर से इसके पानी को हम ड्रेन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम इसके पानी को ड्रेन कर दिए। अब इसे हमें पंखे की हवा में किसी कॉटन के कपड़े पे इसे फैला के तब तक सुखाना है जब तक इसका पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। ध्यान रखें, इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है। तो यहाँ पे पंखे की हवा में एक कपड़े पे फैला के हमने इसे सुखा लिया है। अब पानी इसमें बिल्कुल नहीं है और ये सूखा हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए इस तरह का एक डिब्बा लेंगे हम। इस तरह का डिब्बा लगभग सबके घर में मिल जाएगा, ये मिठाई का डिब्बा है। अगर इस तरह का डिब्बा ना हो तो फिर इस तरह के नमक के पैकेट या दलिया के पैकेट, जो भी पैकेट आते हों उसमें स्वीट कॉर्न को डालें और फिर लॉक कर दें अच्छी तरह से। या फिर इस तरह के हम जिप लॉक बैग का यूज करेंगे जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। ये हमने नमकीन का पैकेट लिया है तो इसमें इसको डाल देते हैं। सारे स्वीट कॉर्न को हमने भर दिया। अब इसके जिप को अच्छी तरह से लॉक कर देंगे और इसे हमें भर के फ्रीजर में डालना है। फ्रिज में इसे हम नहीं स्टोर करेंगे, इसे हमें फ्रीजर में ही डालना है। और जब यूज करना हो तो पैकेट को निकालें, जितना भाग लेना हो निकाल के और तुरंत इसे फिर फ्रीजर में डाल दें। तो इस तरह से 1 साल तक हम फ्रोजन स्वीट कॉर्न का यूज कर सकते हैं। आपका जब भी मन हो किसी भी रेसिपी में इसे यूज कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अगर ट्राई करने पे ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।